हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवांशी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बिग बॉस 14 में हर दूसरे दिन सीन पलट रहा है। शो के कंटेस्टेंट जहां खुद को मास्टरमाइंड समझ रहे हैं, वहीं असली खेल बिग बॉस ने खेला है। शो में दोस्त अब दुश्मन बन रहे हैं। गुरुवार के एपिसोड में जहां एजाज खान और कविता कौशिक की दोस्ती में दरार आने वाली है, वहीं रेड जोन के सदस्यों की ग्रीन जोन के सदस्यों से अदला बदली होने वाली है। नए प्रोमो वीडियो में निकी तंबोली अब ग्रीन जोन में नजर आ रही हैं। वहीं राहुल वैद्य से निकी कहती हैं कि अब वह सबको घुमाएंगी। मेकर्स ने गुरुवार के एपिसोड का जो प्रोमो रिलीज किया है, उसमें तबादले का टास्क हो रहा है। रेड जोन में इस वक्त पवित्र पुनिया, निकी तंबोली, राहुल वैद्य और जान कुमार सानू है। ये चारों इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। कैप्टनसी टास्क का रिजल्ट भी गुरुवार को आना है और बताया जाता है कि एजाज खान घर के कैप्टन बन गए हैं। अदला बदली टास्क में कविता कौशिक बनाम निकी तंबोली, राहुल वैद्य बनाम जैस्मीन भसीन का रंग देखने को मिलेगा। वीडियो के आखिर में निकी तंबोली ग्रीन जोन में नजर आ रही हैं और वह रेड जोन में खड़े राहुल वैद्य से कह रही हैं कि अब वह सबको घुमाने वाली हैं। दूसरी ओर कविता कौशिक और एजाज खान की भी बहस हो रही है। कविता टास्क के दौरान कहती हैं कि एजाज खान ने उनका इस्तेमाल किया है। एजाज इस बात से परेशान हो जाते हैं और कविता और उनके बीच में बाथरूम एरिया के पैसेज में खूब कहा सुनी होती है। इसके बाद एजाज निकी के सामने रोते हुए नजर आते हैं। इस नए टास्क के बाद जहां एक और रेड जोन के सदस्यों के पास खुद को सेव करने का मौका है, वहीं ग्रीन जोन से जो भी लोग रेड जोन में जाएंगे, वह इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग लाइंस बंद है। इसका मतलब यह है कि इस बार भी एविक्शन दर्शकों के वोट से नहीं, बल्कि बिग बॉस के किसी टास्क से ही होगा। रिपीट, ऐसे ही रोमांचक और अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।